क्वेश्चन फिलहाल बात करेंगे आज हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कंप्लीट सिलेबस की। इस पेपर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस में जो हम पेपर के लिए जरूर करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कशन शुरू होती है कौन एमए इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पेपर के लिए। फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए दैट वी नीड टू कवर दिस एंटायर कोर्स। ऐसा हम सब जानते हैं कि ये कोर्स है, लेकिन इसमें करना कौन सा टॉपिक है और कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना आप लोगों ने, एंड हाउ यू गोइंग टू गेट ऑल दीज टॉपिक वीडियोस, तो ये आपको यही मिल जाएंगी इसी चैनल पे। इसके लिए एक प्लेलिस्ट डेफिनेटली काम शुरू हो चुका है, तैयार की जा रही है, जिसके अंदर सारे के सारे टॉपिक डाल दिए जाएंगे सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी टॉपिक इन योर प्लेलिस्ट। कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। सर पेपर में कंफर्म जो क्वेश्चन आना है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से आएगा। आई रिपीट, द फर्स्ट क्वेश्चन 100% वुड कम फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें हमें दो चीजें क्लियर करनी है, जिसमें क्लासिकल केन्स थ्योरी ऑन टिप कर लेंगे। आई रिपीट, क्लासिकल केन्स थ्योरी को आप लोगों ने ऑन टिप करना है, कंफर्म पेपर में मिलने वाली है फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम्स। तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे कि ये कंफर्म आनी आनी है। तो हमें ये करना है, केस को लेके बिल्कुल भी डाउट मत करना कि ये पेपर नहीं आने वाला। क्लासिकल केन्स को आपने क्लियर करना है। देन वी हैव द नियो क्लासिकल। यस, द नियो क्लासिकल एज इंपॉर्टेंट एज द केन्स, बट हाँ वो उसी का पार्ट है, तो इसलिए मैंने केन्स पे ज्यादा स्ट्रेस दे दिया। कम ऑन नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो मॉडल को ऑन टिप कर लेंगे, एंड देन द अदर इज एंड इंजीनियस मॉडल। सो व्हाट इज द इंजीनियस मॉडल? एंडीजीनियस मॉडल को ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि स्लो मॉडल पेपर में आता है बार बार, लेकिन इस बार हमारे पास एंडीजीनियस मॉडल के ज्यादा चांसेस हैं। तो गाइस मेक श्योर कि जब आप पेपर की तैयारी करो तो दोनों मॉडल को साथ लेके चलना और इनकी वीडियोस को देख लेना। वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या है एंडीजीनियस मॉडल एंड हाउ इट इज बीन डिफरेंट फ्रॉम द स्लो मॉडल। दोनों में कौन से फीचर्स हैं जो हमें याद रहना चाहिए। वन मोर थिंग दैट आई मस्ट टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एमए इकोनॉमिक्स, गाइस जब आप पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो प्लीज मेक अ रजिस्टर एंड अ नोट्स बाय योर ऑन। चीजों को समझो और समझ के लिखो, प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा, क्योंकि पेपर जब आप लिखेंगे आंसर तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। एंड दोस आर द क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स कि सर ये पेपर पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, हम लोग कैसे कर पाएंगे, वी डोंट हैव अ ग्रिप ऑन मैथमेटिक्स, हम कैसे करेंगे। तो गाइस जस्ट चिल आउट, थ्योरी पार्ट भी है पेपर के अंदर, और 100% थ्योरी पार्ट करके भी जाओगे तो भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आज पेपर में। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, वीडियोस को देखते रहो, आपके साइज क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जंप अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रैशनल एक्सपेक्टेशन। व्हाट डज मीन बाय द रैशनल एक्सपेक्टेशन? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इज इट इकोनॉमिक थ्योरी और पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी? यस दैट ट्रू, द पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने सिलेबस के वाइज पूरा कोर्स लिख दिया कि आपको जो करना है, लेकिन जो इम्पोर्ट है पेपर के पॉइंट से जो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए वो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। तो बाद में बोला कि सर आपने बताया नहीं था। तो हम बात करते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस की। तो इसमें मेरे पास इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी को पूरा क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड वी हैव द पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। सही, अनसर्टेनिटी में क्या क्या आएगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं इन अनसर्टेनिटी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मतलब थ्योरी, थ्योरी की एक्सपेक्टेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, एंड देन राइट ऑन द स्टोरी, और सारे के सारे पॉइंट जो उसमें ऐड होना है उनको क्लियर करना, ये जरूरी हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट वन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, हमारे पास आता है सर द इंटर टेम्परल, इंटर टेम्परल डिसीजन मेकिंग। सर व्हाट इज द इंटर टेम्परल डिसीजन मेकिंग? अभी डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जो मैक्रो इकोनॉमी सबसे ज्यादा रूल आउट करता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को ही बताता है आपको। आपने यहाँ पे बोला कंजम्पशन एंड एसेट प्राइसेस, कंजम्पशन एंड एसेस प्राइस पेपर में बार बार पूछा गया, लगातार पूछा जाता है, और चेंजेस को हाईलाइट करता है। आपने कहा सर पॉइंट्स को क्लियर करना है, चेंजेस क्या है उनको समझना है, पॉइंट्स को लेके चलना है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लेना है, ये हमारे मॉडल है और ये सच में पेपर में आने वाला है। एंड देन वी आर हैविंग द रैमसे मॉडल, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये अकेला ऐसा टॉपिक होगा जिसको मैं बोलूंगा कि सारे के सारे पॉइंट करने हैं आपने इसके। So the first one, consumption and asset prices, the Ramsey model and the overlapping on generation model. What is the overlapping on generation model? क्या है पेपर में आएगा सर? Can we get the video of this overlapping generation model? Yes, we will get the video of this topic very soon, most probably within 1 or 2 days. आपको videos मिल जाएगी. And then we'll come to next one, the money and the role of monetary policy. What does mean money and the role of monetary policy? Sir, is that the economic honors we studied? Who? वही वाला पूरा टॉपिक, हाँ पूरा वाला वही टॉपिक है, उसी को एक्सप्लेन किया गया, डिटेल में समझाया गया, तो हमें ये पूरा क्लियर करना था। Along with that, you will get the expected questions for this term examination. उसकी वीडियो की वेट करना, जल्दी आपको आ जाएगी। Within this week, you will get the video that
आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, आराम से चीजें क्लियर कर लोगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप चीजों को बड़े आराम से समझ लोगे। जब अब नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। व्हाट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, मतलब ऊपर नीचे होना चीजों की, देन होना। सर एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट में मार्केट जो फ्लक्चुएट कर दिया उसको बात कर रहा हूँ। इट्स लाइक इन सेंसेक्स, सेंसेक्स उसकी बात कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट करता है, उन पॉइंट्स को पूरा डिफाइन करता है। तो हमारे पास आता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बेस्ड द ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड रियल बिजनेस साइकिल। यस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप बोला द ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड रियल बिजनेस साइकिल, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है उनको क्लियर करना है, रियल बिजनेस साइकिल को क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, चीजें कैसे बदल रही हैं, हाउ गोइंग टू एडजस्ट आवरसेल्फ, हम चीजों को कैसे क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को बिगिनिंग से लास्ट तक लेके जाना है, वो चीजों को बड़े थॉरली समझना है। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, चीजों को हाईलाइट करना, एंड हाउ गोइंग टू क्लियर दीज स्टेप्स, ये सारी चीजें आपको बिगिनिंग से लास्ट तक चलनी है। जब आप टू द नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग द अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो ब्लॉक्स, ऑनेस्टली लास्ट टू ब्लॉक्स आई मस्ट से, दोज हु आर थ्योरी एक्सपर्ट्स, जिनको लगता है हम प्रैक्टिकल में अच्छे नहीं है, तो गाइस ये दोनों ब्लॉक्स मत छोड़ना, ये लास्ट के टू, ये बिल्कुल भी मत छोड़ना कि पेपर में कन्फर्म यहां से क्वेश्चन आएगा। तो अगर मेरे से कोई बोलता है कि सर मेजर टॉपिक्स, अगर मेजर ब्लॉक्स की बात की तो फर्स्ट देन द फोर्थ वन एंड द लास्ट टू, ये वो मेजर ब्लॉक्स हैं जिनसे पेपर कन्फर्म आने वाला है, मतलब पेपर के क्वेश्चन कन्फर्म होंगे, बाकी से भी आते हैं ऐसा नहीं आते, लेकिन आते हैं लेकिन यहां से कंफर्म आएंगे। तो ये थ्योरी वालों के लिए प्लीज बता रहा हूं मैं। अनएम्प्लॉयमेंट सर, ट्रेडिशनल थ्योरीज, व्हाट इज ट्रेडिशनल थ्योरीज, कैसे करेंगे, कहने का तरीका क्या हुआ, ट्रेडिशनल थ्योरी में कैसा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ग्राफ को भी क्लियर कर लूं, चीजों को एक्सप्लेन कैसे करना है, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द टॉपिक्स, वो भी मुझे ऑन टिप होना चाहिए। यस मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए, मैं उन पर काम कैसे करूंगा, कौन कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, वो कितने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेनेशन में डालूंगा, वो मैटर करता है। एंड देन वी आर हैविंग द वन, द सर्च थ्योरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यस द सर्च थ्योरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये पेपर में आएगी 100% आई गाइस, तो बिल्कुल भी चांस मत लेना। मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों ने द सर्च थ्योरी, आपने ना सर्च थ्योरी को क्लियर करना है, तो सर्च थ्योरी अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन वी हैव द नॉमिनल रियल रिजिडिटीज। व्हाट इज नॉमिनल रियल रिजिडिटीज, अच्छा रिजिडिटीज रिजिड होना, एक जगह रुके रहना, अच्छा नॉर्मली ही अगर मैं बोलूं तो नॉमिनल और रियल रिजिडिटीज की बात की गई है, ये पेपर में कंफर्म आते हैं, चांसेस होते हैं दैट वी नीड टू डू दिस, कैसे फॉलो होगा, चीजों कैसे क्लियर करना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड देन वी आर हैविंग द न्यू केन्स थ्योरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यस दिस वुड कम, केन्स ऊपर गया था, केन्स नीचे गया, केन्स जहां आएगा पेपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। इकोनॉमिक्स पढ़ो वही मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो केन्स डोमिनेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है कि ये चीजें हमें करनी ही करनी, बाय हुक और बाय क्रूक हमें ये चीजें ऑन टिप करनी है। कम अप टू द लास्ट और द लीस्ट ब्लॉक, दैट इज ओपन इकोनॉमिक मैक्रो। सर मॉडलिंग में फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमें आना चाहिए, पूरा का पूरा बताऊं जी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सर जो फ्लक्चुएट होता है बहुत ज्यादा चेंज होता है, एक आता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब कुछ भी हो जाए बदलने वाला नहीं है, इट रिमेन्स सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं है, चीजों को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। एंड देन द लास्ट वी आर हैविंग That is sluggish price adjustment. यार what is this? Sluggish price adjustment. ये आपको on tip होना चाहिए ताकि आप चीजों को बड़े आराम से क्लियर कर पाओ, वो चीजों को समझ भी पाओ। अब आते हैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कई बच्चे कहते हैं टॉपिक्स कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, तो कुछ टॉपिक की एक्सप्लेनेशन जिनके फॉर्मुलाज आपको नहीं आ रहे वो मैं अपने इंस्टा आई डी पर डालूंगा, अब से मैं डालूंगा आपके इंस्टा आई डी पर, ताकि बच्चे आराम से देख पाए, ग्रैब कर पाए, उनको बेनिफिट भी हो पाए, तो उसके लिए इंस्टा आई डी को फॉलो करना ना भूलना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब आते हैं एक लास्ट सम अप, मतलब सर एक प्लस एक मिनट लेंगे आपको, वो सारे मेजर टॉपिक्स बता दूंगा जो आपको करने हैं, जो सारे टॉपिक्स लिख चुका हूँ, हम जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको करने करने हैं, नीचे शुरू करते हैं। द वन स्लगिश प्राइस एडजस्टमेंट, फर्स्ट वन स्लगिश प्राइस एडजस्टमेंट, देन सर्च थ्योरी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद द न्यू केन्स थ्योरीज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, दो हो चुके हैं आई होप, तीन आप लोग लिख चुके हैं। एंड देन वी हैव The real business cycle, yes, that is really important. The real business cycle, the overlapping generation model, and the money and role of monetary policy. Yes, I repeat, money and monetary policy. Repeat the overlapping generation model and the money and the real monetary policy. Come up next one. Rational expectations. Sir, last ke char blocks hum complete kar chuke hain. Come up next one. Hamare paas aata hai.
इंडस्ट्री मेकिंग अनसर्टेनिटी, द स्लो मॉडल और इंडिजिनियस मॉडल दोनों को क्लियर करना, एंड द केन्स क्लासिकल, यस द क्लासिकल केन्स मॉडल उसको आपने क्लियर करना है। ये है आपका कोर्स कंटेंट। अब रह गया सर हमें सारी डिटेल वीडियोस कैसे मिलेगी, आप गोइंग टू हैव द प्लेलिस्ट वो ऑन पेपर ताकि हम चीजें आराम से क्लियर कर पाए। यस वी गोइंग टू हैव वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।